डॉक्टर साहब, हमारी अंगूरी को कब होश आएगा? भैया फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है, लोग दोनों ही अब खतरे के बाहर हैं। तो गुरु का धन्यवाद है कि साक्षात बाबा जी ने इन दोनों के प्राण बचा लिए। कभी भी दोनों को होश आ सकता है। प्राण जो बचे हैं ना, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद किसी के भी प्राण बच नहीं सकते थे, फिर भी बच गए। बड़ी दया है बाबा जी की कि दोनों को बचा लिया। साले अफसोस करने से क्या होगा साले, हमारी बीवी तो हमारे हाथ से निकली गई थी। भाभी जी को होश आ रहा है, आ रहा है होश। हाँ हाँ हाँ, पहले उनको पहले। होश आ रहा है भाभी जी को, लेकिन ये अन्नू बेबी क्यों कह रही हो, और ये आवाज भी भभूति जी जैसी लग रही है। जैसी ना है सेठ जी, ये तो है विभूति सेठ जी की आवाज। मुझे लग रहा है भैया कि है ना, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है इनके, इसीलिए ऐसी आवाज निकाल रही है। भैया आ लड्डू के भैया, यार ये विभूति सेठ जी लड्डू के भैया क्यों बोल रहे हैं, और ये तो अंगूरी भाभी जैसी आवाज लग रही है। अब अंगूरी भाभी जैसी आवाज नहीं बे, अंगूरी की ही आवाज है। आवाज कर रहे त्योरी जी आप, मैं कहा आपको लड्डू की भैया बुला रहा हूँ, मैं तो अपने अट्टू को बुला रहा हूँ। Where is my अट्टू बेबी? Where is my, can someone please call my अट्टू बेबी? Where is अट्टू बेबी? Oh God! अंगूरी तुम? मैं भाभी जी नहीं हूँ, मैं विभूति हूँ। हाँ, और हम अंगूरी हैं। जी हाँ, मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ और वो भाभी जी हैं। हाँ, आओ भाभी जी। Oh my God! She is at my body. That is my body. That